हेलो, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो देवा भाई? देवा बस शांति बापू भाई, क्या समाचार है? भाई, समाचार क्या है? इस बार तो ऐसा लगता है कि प्याज जैसा लग रहा था उस हिसाब से बड़ा मामला उल्टा हो गया। अच्छा हमारे हमारे यहाँ जो प्याज का लगान था वो काफी अधिक लगान था, और साल के मुकाबले ट्वेंटी हाँ 30% अधिक लगान था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ समय से हाँ पहले भी प्याज आ जाएगा और प्याज का अराइवल बहुत रहेगा, लेकिन पिछले दिनों हाँ हमारे भाई अब मौसम बहुत खराब रहा। हमारे तो कुछ अगेती प्याज लग गई और कुछ मौसम खुला नहीं, उससे प्याज में रोग बहुत हो गया। हमारे यहाँ जड़ अच्छा में कीड़ा लग गया और हमारे यहाँ जलेबी टाइप रोग है जो प्याज की फालरे गोल गोल होके खत्म हो रही है। आई थिंक सो पप्पू भाई, वो कर्नाटक में भी यही था ना प्रॉब्लम? हाँ, सभी जगह यही है। और हमें हाँ तो अब देखो, हम कर्नाटक और महाराष्ट्र का तो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ अपने क्षेत्र का लोकल तो ज्ञान रखते ही हैं। हमारे किसान संपर्क में रहते हैं, बराबर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग भी रहते हैं, तो इस बार राइट हमारे राइट यहाँ तो राइट नुकसान बहुत नजर आ रहा है भाई। बरोबर बरोबर। मैंने तो ये अभी आपका वीडियो देखा ना, हाँ, आपने वो एक कोई हमारा एक हाँ वो एक चैनल वैनल वाले आते रहते हैं, उसने वो लिया तो मैंने मन की बात कह दी। मन की बात कह हाँ दी तो वो वायरल हुआ है। अब अच्छा वायरल हुआ है तो सच्चाई भी है, क्योंकि मन तो पीड़ा में है ही। आज हमारा संबंध उन किसानों से है जो खेत में पैदा करता है, वो लाता है, उस पे लाने पर हमें कमीशन मिलता है, तो हमारे बच्चे तो उसी से पलते हैं भाई। बरोबर है बरोबर। पन पप्पू भाई, अगर समझो किसान अगर ये अलवर के अंदाजे के हिसाब से इतना पकड़ आ गया है, आमदनी शॉर्ट होती जा रही है, जी, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा स्टॉक भी रहेगा तो वो किसानों को हानिकारक भी हो सकता है। देवा भाई आपकी बात ठीक है, लागतें बहुत बढ़ रही है। अभी हमारे यहाँ 30% तो रोग है ही, वो हाँ 30 का 40 भी हो सकता है, मौसम निकला तो 50 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके मतलब हम ये मानते हैं कि हमारा पिछली बार का एवरेज लगान से 30% लगान फालतू हुआ, इसलिए हाँ हुआ कि पिछले 2 सालों से अलवर के किसानों को काफी अच्छा पैसा मिला। राइट राइट सही बात है, 100% हमने सही ये बात मान लिया 30% अभाव हुआ, तो हम ये मानते हैं कि 30-40% अगर प्याज नुकसान होता है तो हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ 20% का नुकसान हुआ। अगर फिफ्टी अच्छा परसेंट पे नुकसान चला जाता तो हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ 20% से लेकर 30% भी नुकसान हो सकता है। और बरोबर प्याज जो है वो उस नहीं जा रहा है है जिस अच्छा खुशी से किसान ने लगाई थी। तो मुझे ऐसा हाँ लगता है कि बाजारे स्टेब्लिश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा तेजी मंदी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हाँ बाजारें अब चल रही हैं 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में, प्याजे बिकनी चाहिए। अब हाँ कंजेप्शन तो घटा है, ये तो आप भी मान रहे हो, लोगों के यस पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, होटलें बंद यस है, शादी ब्याहों में लोगों का आवागमन कम है, गरीब आदमी जी के पास पैसा नहीं है, हाँ हाँ अमीर जो हाँ है बहुत अमीर है वो होटलों में जा नहीं रहा है। तो मैं एवरेज मुझे लगता है कि बाजारे 25 रुपए से नीचे तो नहीं जानी चाहिए। हाँ बाकी हाँ हाँ आप बाजार में ज्यादा बेचते खरीदते हो, हम हाँ लोग तो हाँ प्याज को केवल इसमें अपने व्यापार जी में समझते हैं। नहीं, आपकी बात सही है, पर माल खराब भी बहुत हो रहा है। सामने देखो गवर्नमेंट का स्टॉक भी है, सामने हाँ किसानों के पास भी स्टॉक है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। एमपी में भी माल पड़ा है, महाराष्ट्र में भी पड़ा है, तो भाई वो आप ये ध्यान तो मानो माय डियर, 1.5 महीना, 1 महीना तो बहुत ज्यादा है। आज 23-24 तारीख हो गई, हाँ 1 महीना 1.25 महीने बाद तो हल्की बारी जैसी भी है, इतना प्याज तो हमारा भी आने लग जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, दिल्ली को, उत्तराखंड को, इन एरिया उत्तरांचल को, इन एरिया को, तो हम भी रोज की 150 गाड़ियां हमारे निकलना चालू हो जाएगी भाई। अच्छा अच्छा हमारे अक्सर 15 तारीख से प्याज आना चालू हो जाता है, 15 अक्टूबर से, और अच्छा 25 अक्टूबर तक आते आते मंडी में 30,000 कट्टे के लगभग अराइवल हो जाती है, 20,000 कट्टे के लगभग अराइवल हो जाती है। इस बार अच्छा में फसल खराब होने की वजह से हम ये मानते हैं कि 15 से नहीं तो 25 से आ जाएगी, 25 से नहीं तो आएगा, नवंबर से चालू हो जाएगा। राइट 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 बाकी आप उस एरिया में रहते हो, महाराष्ट्र की जानकारी होती है, कर्नाटक, आप हाँ, बताओ आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये है कि भाई समझो किसानों के पास माल भी है और क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा है, बेचारे किसान जो भी माल स्टॉक किया हुआ है तो अंदर जी, से खराब भी बहुत निकल रहा है, माल हाँ, टिक नहीं रहा है सकल, मौसम के हिसाब यस से। यस यस, प्याज की सकल ही नहीं में बैठ रही है, जी, राइट 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 सुंदर राइट सुंदरता टूट गई है, अंदर से हाँ जान टूट गई है। जो माल आ जाता है वो अगर आज बिको तो अलग दिखता है, कल बेचो तो अलग दिखता है।
बाकी आप भी अपने लोगों को अच्छे समाचार दो, लोगों को ये कहो अपने ग्रुप में कि भाई हाँ वो बात बताएं जो सच्चाई है। देखो ऐसा है, हाँ किसान भी हमारा है, व्यापारी भी हमारा है, ट्रेडर भी हमारा हाँ है। यस यस।